नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ममता बनर्जी भी बीरभूम में पीड़ित परिवारों से मिलने दोपहर तक पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया पर बीरभूम से ममता के स्वागत में तोरण लगाते हुए लोगों का एक वीडियो सामने आया है, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग वीडियो फोटो शेयर कर पूछ रहे हैं कि थोड़ी भी शर्म है ममता दीदी को तो स्वागत बोर्ड हटवा देती, यहां वो किसी का दर्द बांटने आ रही हैं या चुनाव प्रचार करने आ रही हैं। ममता की मंत्री फिरहाद हकीम बीरभूम के बागतुई पहुंच चुके हैं। वहीं इस मामले में राज्य सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी है। पुलिस ने अभी तक हिंसा में शामिल रहे 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन भी किया है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उनके जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। साल 2020 में फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भयावह हिंसा हुई थी और यह हिंसा 53 लोग इसमें मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरोन विंच और तेज गेंदबाज पैट कमिंग कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL 2022 के शुरुआती 5 मैचों में नहीं खेलेंगे। इसकी पुष्टि KKR के मेंटर डेविड हसी ने एक बयान के जरिए की। फिंच और कमिंग फिलहाल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। इसके बाद फिंच और कमिंग समेत IPL में भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत आएंगे। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार अपनी सबसे खतरनाक और स्मार्ट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। 19 मार्च को पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रांकिवस्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के हथियारों का डिपो ही तबाह कर दिया है। इसके अलावा वो यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर बैरिस्टर मिसाइल, थर्मोबैरिक जैसे कई और जानलेवा हथियार बरसा रहा है। ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो इंसान को भाप बना देते हैं। अमेरिका समेत किसी भी पश्चिम देश के पास इन मिसाइलों को मार गिराने लायक कोई मिसाइल नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर्स की कीमतों में तेज गिरावट पर जवाब मांगा है। एक्सचेंज यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशकों के पास कंपनी के बारे में सभी तरह की जानकारी हो। आपको बता दें कि अपने IPO प्राइस से शेयर 70% से ज्यादा टूट चुका है। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का शेयर मंगलवार को 22.20 रुपए टूटकर 543.50 पर बंद हुआ। शेयर का इनिशियल पब्लिक ऑफर प्राइस 2150 रुपए था। इसके बाद से यह लगातार टूट रहा है। IPO को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, यानी शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 75% टूट चुका है। 5 दिनों में पेटीएम में 18.22% की गिरावट आई है। 1 महीने में 33.88% की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक 65.18% टूटा है। 11 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लगाई थी। कहा जा रहा था कि इस पेटीएम ने चीन की कुछ कंपनियों के साथ डेटा शेयर किया है। इसी वजह से RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। इस खबर के बाद शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विदेशों में सर्वर पर डाटा शेयर करना भारतीय नियमों के खिलाफ है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।